नमस्कार, यू न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबर। जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार श्री नारायण सिंह का शव पहुंचते ही उनके गांव नारायण गांव में चित्कार मच गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। वह क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे। उनके अंतिम संस्कार समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि जिले के पुनहिया थाना क्षेत्र के हाथरस में जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार श्री नारायण सिंह अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शनिवार की रात हाथरस में चुनावी जनसंपर्क के दौरान जनता दल राष्ट्रवादी उम्मीदवार श्री नारायण सिंह की हत्या अपराधियों के द्वारा गोली मारकर कर दी गई। समर्थकों के द्वारा आनन फानन में उन्हें सरोजा सीताराम राजकीय सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने सीतामढ़ी रेफर कर दिया गया। निजी चिकित्सक क्लिनिक के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दो ग्रामीणों की गोली लगी, जिसमें एक ग्रामीण संतोष कुमार सीतामढ़ी ले जाना के दौरान रास्ते में मौत हो गई। वहीं दूसरे का इलाज चल रहा है। लोगों ने इस मौके से भाग रहे दो अपराधियों को पकड़ कर चमकाए। किस तरह से घटना हुआ? घटना खसार गांव में हुआ। उस समय हम शुक्राधी पुल पास कर रहे थे। एक फोन आया, मुखिया जी को गोली मार दिया है, जल्दी आई। हम लोग आगे बढ़े, तब तक एक पुल को लेकर के फॉर्चुनर जो है शिवर की तरफ आ रहे थे। वहाँ से हम लौट आए हॉस्पिटल में। घटना के पीछे साजिश है, स्थानीय नेताओं के भी साजिश है और कुछ आपराधिक गिरोह का भी इसमें हाथ है। नारायण सिंह की लोकप्रियता से लोग घबरा गए, इसलिए कि आज़ादी के बाद दलित शोषित वंचित और अकलियत समाज में जितना पैसा इस लड़के ने छोटे से आयु में बनाया, आज तक किसी नेता ने ऐसा नहीं बनाया था। और हमको लग रहा है कि यही इसके मरने का कारण बने। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल पुनहिया थाना अंतर्गत कतसार गांव में विधानसभा चुनाव शिवहर विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह चुनाव प्रचार के दौरान इस गांव में थे और भ्रमण कर रहे थे। इसी क्रम में अपराधकर्मियों द्वारा गोली चलाई गई, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हुए और उन्हें इलाज के लिए शिवहर अस्पताल लाया गया और फिर उनको सीतामढ़ी ले जाया गया। और इसमें अपराधकर्मी जो घटना में शामिल थे उनको स्थानीय लोगों के द्वारा उनको मारपीट की गई और उनको पकड़ा गया। उनके पास से अवैध अग्न्यास्त्र था और उसमें गोली फंसा हुआ पकड़ा गया है। उनकी पहचान सीतामढ़ी रूनी सैदपुर थाना अंतर्गत मानक के गौरी महाराज के रूप में की गई है, जो पुराने शूटर हैं और कई कांडों में ये इन्वॉल्व रहे हैं। दूसरे अपराधकर्मी भी जख्मी हालत में मिला है, उसका भी इलाज कराया जा रहा है। घटना के संबंध में छानबीन की जा रही है। जो भी इसमें दोषी लोग हैं वो बक्से नहीं जाएंगे, उनके विरुद्ध पूरी समझ कार्रवाई की जाए। गोलीबारी की घटना में दो लोगों की मौत हो गई, एक हथसार को। हाँ, जो ये गोली चल रही थी तो उनके ऊपर गोली चली। इसी क्रम में हथसार गांव का भी एक व्यक्ति संतोष कुमार जख्मी हुआ है, जिसकी इलाज के दौरान सीतामढ़ी। अभी कितने लोग जख्मी हैं? अभी जख्मी एक अक्यूज उनमें अपराधकर्मी में एक जख्मी है और सीतामढ़ी उसमें हथसार गाँव का भी एक व्यक्ति जख्मी है। सर, घटना के पीछे का कारण पता चला है? अभी अनुसंधान इस बिंदु पर हम लोग कर रहे हैं, सभी बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। अनुसंधान के बाद जो भी तथ्य आएगा उसे आपको बताया जाएगा।